हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारेब्स यूट्यूब चैनल, आई एस लारेब यूट्यूब चैनल। और आज का हम लोग ये है कि आज ज़ारेब और मदीसन ही है ना, आई गेस सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, हम जा रहे हैं कराची। और मेरे मियाँ के बाल नहीं बन रहे हैं, किसी की राइड्स कैंसिल हो रही हैं, किसी के बाल नहीं बन रहे, पता नहीं क्या ही हो रहा है। ये टिकटॉक बन रही है, एयरपोर्ट जाने से पहले टिकटॉक बन रही है। चलो चलो चलने, नीचे मेरा बैग नीचे है, चले चले जल्दी जल्दी, जल्द सब हो गया, आप चल रहे बस। ये नया डिजाइन आया है बैग उतारने का, देख रहे हैं बैग आप लोग हमारे, अभी कम मैं अभी असल में ऊपर से और भी ला रहे हैं। ये वो इंसान है जिन्होंने सुबह नाश्ता भी किया है और अब गन्ने का जूस भी ले रहे हैं, और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, तबीयत खराब है। आपने नाश्ता किया बट एवर, एक तो भाई ने इतनी मुश्किल से हमने ढूंढा क्या कहाँ छल्ली मिल रही है, अभी भी नाटक एक दफा गुजरी मैं पहले भी गुजरी, मैं नहीं बोली, मैं तो देखे गई नहीं, मैं एक दफा देखी, मैं आदिल से बात कर रहा था। ओहो चल छोड़ दे यार, एकदम नरम चाहिए और गरम चाहिए। सही है सर, कैसे हो आप, ठीक हो, क्या नाम है आपका? रान। वो मेरी बेगम नाराज हो जाएगी अगर तुमने अच्छी वाली छल्ली नहीं दी मुझे, तो अच्छी नरम चाहिए, नरम और गरम। हाँ दिया ही साहब, मसाला लगवाना है, दो लेनी है, दो खाएंगे और भाई दो दे दे भाई, दो खानी है यार, दो दो दो, हाँ सब लगा के दो मुझे, नमक भी मसाला भी। सही है रयान भाई, मस्त कारीगरी करते हुए, ये बेहतरीन आदमी हो तुम रयान भाई, बेहतरीन, हंस के दिखा दो बस। ये सड़ियल की छल्ली बोले, सॉरी बोले, आप फिर दूसरी ला के दूंगा। सही है भाई, ऐसे ही होता है भाईजान, जिसकी शादी नहीं हुई ना वो सुन लो, गरम नहीं है रेहान, गरम गरम, अच्छा सही है, वो वाली गरम नहीं है बोल रही, अच्छा रेहान भाई खुद देने के लिए आए बाजी को, भुखड़ भुखड़, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। क्या खाना है? दो खानी है, सात खा ली लेकिन, ऐसे लोग जो हैं वो रास्ते में हैं, वो भी 5-7 मिनट दूर हैं। अभी टाइम हो गया है 3:35 और 4:15 की हमारी फ्लाइट है, अभी भी हमारे पास मैप में आ रहा है 5 मिनट का रास्ता। फाइनली हम भी 25 मिनट पहले पहुंचे फ्लाइट से, और ऐसे मदीहा लोग भी अभी हमारे साथ ही पहुँचे हैं भाई, बिग फैन, ये भी लेट थे बाद में निकले, ये भी हमारे साथ ही पहुंचे, और हम भी अभी पहुंचे जी। अच्छा मैंने 3x पे किया हुआ है पता चला। ये रहा हमारे भाई और भाभी का सामान, और हमारी प्रिंसेस का सामान, और लाली गई ट्रॉली लेने ताकि हम अपने बैग उसके रखें। हेयर ही कम द ट्रॉली, हेयर आर भाई भाभी एंड आर छोटू अलियाना, वेयर इज शी, देर इज हमजा भाई, एहसन के बड़े भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज हमजा भाई। और ये एहसन भाई पानी की बोतल भूल गए, अलियाना का फ्यूल, अलियाना का पानी फीडर के लिए। एहसन भाई झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं चारों सीट्स अलग अलग हैं। नहीं, बहुत बड़ा मसला हो गया क्योंकि हम सबसे लास्ट पर आए हैं, और वो बोल रहे हैं कि 3 सीट्स एक साथ हैं और एक अलग है पीछे, अब वो पीछे कौन बैठेगा किसी को नहीं पता। ज़ारेब कहाँ गया? ज़ारेब अभी आया ही नहीं, वो खेलने चले गया, इधर आओ। ओवर ओवर, ये मेरी चाची हैं, ये मेरी लोहरी चाची हैं, लोहरी 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 चाची, चाचू पैनिक हो गया मेरे, चाचू क्यों पैनिक हो गया, चाचू ऐसे ही हबड़ा आया था। वी आर वेरी लेट है ना, वेरी द लेट, एंड माय बेगम इज, आज हम लोग शायद अलग अलग बैठना पड़े। मैं तो नहीं बैठती अलग, नहीं मेरा साफ जवाब है, साफ जवाब, आपको पता मुझे साफ ही बोला, मैं नहीं बैठ सकती, आपको पता मुझे पहले ही, मुझे अब एक वैसे लेट हो गए, एक वैसे जहाज में जाना, मुझे वैसे कुछ हो रहा है, बस जाए शुरू कर दिया था गंदी बच्ची, साथ ही सीरियस हो गई, वो कह रहे हैं लियाना को नहीं लेके जा सकते जहाज में, मना कर दिया भाई, कैसे पूछा उसने आपसे, हमसे लेट आते ना, आप हमसे लेट क्यों आते हैं, बताया था ना कि मुझे अपनी कैप चश्मा मैच करने में टाइम लगता है, चल ड्यूटी, हम तो जल्दी आए, इनका अलग चल रहा है।
अलग ही चल रहा है मध्या का, 3-4 मिनट रह गए फ्लाइट दो में, बच्चे एक साथ हैं और बस अलग चल रहा है। फिर भी मध्या ने अभी इंकशाफ किया है कि लारेब की शर्ट पे लड़की का बाल है। गुड मैं मुझे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा इंग्लैंड कब गए थे शादी से पहले? ये भी गए थे किसी के साथ, ये जिसका बाल है ना लारिफ की शर्ट उसी के साथ गए थे। हंस रही है, हमने एहसन भाई ने कुर्बानी दी, एहसन भाई जा रहे हैं वो एंड पे। एहसन भाई जानबूझ के नहीं जा रहे हैं, पता नहीं है, बोला माँ तू इन दोनों को संभाल पीछे कैबिन क्यों बैठी, मैं वहाँ बैठूंगा। वहाँ लड़कियाँ होती हैं पीछे, नहीं पता आपको? अरे भाभी बेचारी कितनी भोली, पता ही नहीं चाची को। भाभी लिए है ना हमने, है ना इतनी भोली मामा। मैं पीछे जाती रहूंगी बहाने बहाने से लियाना को वॉशरूम लेकर। कमोलिक का यहां बैठ जाएंगे, ये मुझसे नहीं देगी कि रीजन कैसे बैठना चाहिए। वो मैंने से बात की है, वो कह रहे हैं मदीहा ने जो है रिक्वेस्ट करके सीट चेंज करवाई है और अब एक्सप्रेशन देखेगा। ओए अलार्म अभी तो उड़े भी नहीं है, भाभी ने कैसे बोला है, कैसे चेंज किया? अरे भाभी सब छोड़े, ऐसे ने कैसे बोला है? आयुषा आयुषा वहाँ से वहाँ से इज्जत करता मारो आयुषा भाई, ये झटके नहीं मारे आप, समझ आई? अलार्म स्नूज करें अभी, 2 घंटे बाद खोलना, ठीक है? गुड्डा आप हमारा गुड्डा, आपका बाप हो रहा बुड्ढा। कौन सा ले एहसन भाई, बहन कुछ बोल रहे मैं जो इनका सामान उठा के जो है ना वेट कर रहा हूँ, क्योंकि सारे ये लोग जो है ना वो ले रहे हैं पिक्चर्स, लारेब की प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम अकेले, इनको कोई होश नहीं है, अकेले जा रहा हूँ, कोई है पीछे नहीं है। क्या वो क्या ये हो रहा है लाल, ये देखो मदिया तुम्हारी ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी ना हमारे व्लॉग से देखना, तुम्हारे फैन पेजेस खुश हो जाएंगे। एहसन भाई और मदिया की उनके वॉशरूम है अलियाना को लेकर गए हैं, तो हम लेने आए हैं सामान ताकि टाइम ना वेस्ट हो। हमें चाहिए 2 ट्रॉलीज, एक हमारे लिए एक मदिया भाभी के लिए। कम ऑन बॉय गुड, हम जो भी रंग बिरंगा बैग आ रहा है ना, मैं फौरन एहसन भाई से पूछ रही हूं, एहसन भाई आपका तो नहीं है ये, आपका तो नहीं है। अच्छा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ व्लॉग में, अगर आप मेरे यहाँ राइट देखें, ये वो गोरी एक लड़की है, मैं अच्छा खासा वहाँ पीछे बैठा था, ये मुझे आगे बुला लिया। मदिया देख लो ये वहाँ इनके साथ बैठे हुए थे, ग्रीन कार्ड का जुगाड़ बना रहा था, ठीक है, पर आपने रिक्वेस्ट करके इनको आगे बुला लिया, अब बेचारी वहाँ बैठे। क्या बोला था कि अगर मुझे मिलेगी तो मैं यूं लाजमी करूँगा, तो आपने किया तो नहीं किया था। ये राशन भाई का बैग येलो, अभी तक हमारा सिर्फ एक बैग आया है, इसमें भी मदिया की पहले ये पहले हाँ। इस रेस में सेकंड रहे लारिफ खालिद, क्योंकि ये आया उनका और वो आगे एहसन भाई का। चलो धरना भला फे, धरना भला फे, वो गया ए बच गया, वो चौथा भी आ गया, वो यार सबका बैग आ गया, सिर्फ मेरा नहीं आया, मेरा भी आ गया, नहीं मेरा नहीं है, नहीं मेरा ही है वो, बताइएगा लाली। भाभी बैग टूट गए आप लोगों।
सच में कसम से काला वाला बैग टूट गया, काला वाला भी और पिंक वाला, और पिंक वाला भी चटक गया, आपके वाला भी तोड़ गया और पीले वाले में। मैं आपको कहती हूँ कि रैप करवा कर आया करें तो आप कहते नहीं, क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी आज तक नहीं आपने मुझे कहा। हाँ मेरी जिम्मेदारी है सारी। चले मेरे पड़ा पड़ा मेरा टूटे बैग टूट गया। ये इस तरह रखते हैं यहाँ पर, बैग उठा उठा के फेंकते हैं यार। वो भी छटका है, ये भी छटका है, ये भी फाइबर वाले टूट जाते हैं वैसे यार, ऐसे कपड़े वाले यहाँ पर ही टूटते हैं। शुक्र है मेरा कपड़े मेरा हमारा ही देखिए, आपका भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो हुआ है। घर पहुंच गए थे, सो के उठ गया और सो के उठ के मैंने बोला ब्लॉग का एंड कर लूं, पर आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे एंड हो जाएगा, मगर एंड नहीं है भाई। मैं फिर जा रहा हूँ एयरपोर्ट, फिर से क्यों जा रहा हूँ एयरपोर्ट में वापस, सुबह उठ के सुबह सुबह 9:10:40 पे क्यों, चलो बताता हूँ। एयरपोर्ट पे बहुत रश है भाई, जिसको मैं लेने आया हूँ वो नहीं आया अब तक, पर आज लगता है बहुत सारे लोग आए हैं भाई, बहुत रश को लेने आए ना, उनका सामान ही नहीं मिल रहा है भाई, मतलब अजीब यार, एक को आंखें नहीं खुल रही हैं, पर से रश में लोगों ने तंग किया है। गंजे का टशन ही ख़त्म नहीं हो रहा है भाई, ये देखो ये ऐसे निकलते हैं बड़े लोग ना, बड़ी सेलिब्रिटीज ऐसे निकलती हैं। हाजी साहब चड्डी पहन कर आए हैं, अच्छा ठीक है चड्डी। इन साहब को लेने के लिए हम गए थे एयरपोर्ट, बिल्डर हाजी साहब हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह सही फिजिक बनी हुई, सही डब्बे खाए, डब्बे मैंने बड़े खाए, खाए ना बड़े खाए, वो मैंने क्यों झूठ बोला, बड़े खाए। तो उमर साहब जो है वो आए हुए कराची, और उन्होंने को सबसे अच्छी चीज़ लगी इस बार कराची आने में, उन्होंने बोला कि मौसम बहुत औसम हो रहा है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी यहाँ पे बारिश भी होती है, मगर लाहौर से अच्छा मौसम है नहीं, ईमानदारी से अच्छा लाहौर से इस बार 100 गुना मौसम अच्छा है। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं किधर आ गया, गलत आ। उमर भाई यहाँ पर आए अपने प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स के लिए कुछ दिनों के लिए, तो हमने बोला कि हम उनको पिक कर लेंगे घूमने, मैं कोई प्रोजेक्ट्स मीटिंग के लिए नहीं, सीवी जाएंगे सीवी इस तरह। और जिस बेस्ट फ्रेंड को इन्होंने कहा था लेने आने को, वो सोया हमारा पड़ा। अब मुझे मैसेज कर रहा आ रहा हूं मैं। सो भाई उमर साहब को छोड़ के अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके लाली आ गया है घर, और अब लाली सोएगा, और ये व्लॉग यहीं तक था, ये एफ व्लॉग यहीं तक था। तो अपना बहुत ख्याल रखे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दे, प्यार बरसाते रहे, बहुत सारे व्लॉग्स और एफ व्लॉग्स आपके पास आपकी तरफ आने वाले हैं। और मम्मा खाना दे दो, लाली आउट, गुल आउट, ओके द